show of course channel hai to commercialization to hota hi hai uske andar har cheez ko set kiya jata hai aur ye dekha jata hai ki maximum audience uske andar aaye aur content dekhe kyunki abhi kya hai ki audience ka jo ड्यूरेशन है उसका जो स्टिकिंग पॉइंट है कह लीजिए वो भी बहुत कम हो गया जब से रील्स आई हैं तो आप जितनी जल्दी ऑडियंस को और जब तक आप कुछ डिफरेंट टाइप के आप कंटेंट उनको नहीं दिखाएंगे तो ऑडियंस आपके एप्लीकेशन पे या कंटेंट पे टिकेगी नहीं रुकेगी नहीं तो इसलिए कंटेंट बहुत सुने जाते हैं हमारे यहाँ हमारी पूरी टीम खासतौर से निविता जी इस पे काफी वर्किंग करती हैं और फिर 100 चीजें सुनने के बाद मेरे पास 10 चीजें आती हैं और 10 सुनने के बाद वो 4 ही रह जाती हैं क्योंकि उसका इतना फिल्टर होता है कि हमको हर चीज देखनी पड़ती है कि कॉमर्शियल एंगल से कितना ये आगे चलेगा और कितना डिमांड में आएगा कितना ये वायरल होगा और कितना लोग इसको सीजन 2 इसका मानेंगे तो कुछ शोज ऐसे हैं जिसके हमारे पास डिमांड लिटरली आई है कि हम उसके सीजन 2 भी लाएं तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जैसे आप सारे मीडिया भाई लोग जानते भी हैं कि इस इंडस्ट्री में और खास तौर से ओटीटी प्लेस में सस्टेन करना इवन और उसको आगे तक चलाना ये बहुत ही डिफिकल्ट एक बहुत बड़ी एक मुहिम है और एक बहुत बड़ा टारगेट है जिसको अचीव करना बहुत मुश्किल होता है तो 24 घंटे में 26 घंटे हमारी टीम को कम पड़ते हैं हमें लगता है कि रात भी क्यों बनाई गई है हम और हमें कुछ मिले तो कुछ ना कुछ और नया सोचे और कुछ नया डालें तो उसमें हम लगे रहते हैं कुछ ना कुछ ये नया करने के लिए इसका डिस्कशन जब राजू जी ने हमसे किया तो मुझे कुछ नया दिखा कि कलवा और कच्चा कलवा फिर हमने गूगल पर सर्च किया एकदम नया सब्जेक्ट नई चीज नई कहानी है जो अभी तक बनी नहीं है तो विभु जी से हमने जिससे क्या कि एक ऐसी कहानी है और अच्छी कहानी है अच्छा लगता है कंटेंट अच्छा है जो अभी तक नहीं आया है तो बाकी तो क्रिएटिव तो विभु जी है ही वो समझ गए कुछ नई चीज़ है अच्छी तो फिर नरेशन हुआ उसके लिए उनके कुछ इनपुट थे वो दिया आपने और ये बन गई सर विभु सर और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा जो मीम्स कैंपेन्स जो आप लोग चला रहे हो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जैसे अनसुनी का हमने देखा था जिस तरह के मीम्स चलाए गए थे तो सर वो किसका आइडिया था अगर उस बारे में कुछ आप बात करना चाहे अगर वो प्रमोशनल कैंपेन के बारे में ये मार्केटिंग एक जॉइंट डिस्कशन होता है मतलब इसमें मैं किसी एक अपना किसी एक का नहीं बोलूंगा जॉइंट डिस्कशन होता है और उसमें मल्टीपल चीजें आती हैं तो उसी को देखते हुए हम लोग ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं कि मीम मार्केटिंग और रील मार्केटिंग करें क्योंकि गूगल से तो और फेसबुक जो मार्केटिंग होती है वो तो होती है और क्योंकि मैंने अभी आपको जैसे अभी इससे पहले बताया कि लोग ज्यादातर स्टिक रील्स पे ज्यादा है तो रील्स को देख करके लोग डाइवर्ट होते हैं और अट्रैक्ट होते हैं तो वो एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है ऑफ कोर्स और मैं ये बात भी कहूंगा कि अभी किसी बहुत बड़े एक चैनल ने इस चीज को अडॉप्ट किया है मैं नाम नहीं लूंगा उसका कि वो 10-12 दिन पहले होर्डिंग लग जाती थी एक बहुत बड़ा ओटीटी चैनल है और उसकी रिलीजिंग डेट आती थी कि स्ट्रीमिंग ऑन दैट डे या व्हाटएवर अभी मैंने जस्ट देखा है अभी उन्होंने एक शो अभी रिलीज किया है अब वो स्ट्रीमिंग नाउ में आ गए क्योंकि हम अपनी जब भी मार्केटिंग करते हैं तो हम सेम डे जिस दिन रिलीज करते हैं हम उससे उसी दिन का हम अपनी होर्डिंग लगाते हैं ऑफ कोर्स ट्रेलर्स 10-12 दिन 15 दिन टीजर जरूर रहता है बट ये हमारी थोड़ा सा वो रहता है तो हम ये भी बताना चाहते हैं कि रील मार्केटिंग के बाद एक रेवोल्यूशन भी आया है टू बी वेरी क्लियर पाकिस्तानी शोज रील मार्केटिंग और मीम मार्केटिंग स्टार्ट करा है जस्ट और बिल्कुल सेम पैटर्न पे जैसे हमने किया है नॉट इवन मी कई और इंडियन बड़े चैनल्स ने भी स्टार्ट किया है तो इसका जरूर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और इफेक्ट है और थोड़ा लोग देखते भी है समझते भी है क्या फर्क पड़ रहा है देखिए हॉरर जो एक जॉनर है उसमें ये चीज है कि बहुत सारे कहानी जो लिखी जाती है उसके बाद उसके बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे आपने साउंड बोला वैसे लाइटिंग भी है आपके कैमरा भी है VFX है जैसा निधि मैम ने भी बोला तो बहुत बारीकी से इसको एक तरीके से सबसे ज्यादा इसके ऊपर क्रिएटिव कंट्रोल टेक्निकल टीम का यू नो जो लोग बिहाइंड द कैमरा काम कर रहे होते हैं उनका इस जॉनर में ज्यादा एक इनपुट रहता है ज्यादा एफर्ट्स रहते हैं तो हर चीज पे उतना ही इनफैक्ट इसका जो VFX है जो ग्राफिक्स आपने देखे
काफी लंबे ड्यूरेशन तक बड़े बड़े स्टूडियोज के द्वारा किया गया, बहुत ही हाई क्वालिटी वीएफएक्स है इसमें, और लाइटिंग भी अगर आप देखेंगे बहुत डिटेल में इसके ऊपर काम किया गया, और इस जॉनर में करना भी पड़ता है, अदरवाइज यू नो एक रोमांटिक कॉमेडी हो या एक नॉर्मल लाइक फैमिली ड्रामा है तो उसमें कहानी और एक्टर्स एक लिमिट तक उस कहानी को ऊपर लेके जा सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक्टर्स तो ऑफकोर्स हमारे पास एक से एक बढ़ गए हैं, बट उसमें जो ये टेक्निकल एंगल होता है वो एनहांस करना ही पड़ता है ऐसे जॉनर। आई थिंक सो कलवे से आगे हमारा कोई फेवरेट शो होगा नहीं, बिकॉज ये हमने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, शूट किया है, स्टोरी को समझा है, लाइक यू नो व्हेन यू सी अ बेबी ग्रोइंग अप एंड यू बी अ पार्ट ऑफ इट, लाइक उस बच्चे को बड़े करने में आपका भी एक हाथ हो थोड़ा सा, तो आपको बच्चा आपका फेवरेट बन जाता है। सो आई थिंक सो कलवे से वन ऑफ द स्टोरी जो हमारी फेवरेट है, आई थिंक सो इट्स गोना बी वन ऑफ द मोस्ट टॉप फेवरेट स्टोरी फॉर मी। दिस गाय बेसिकली ही जस्ट डू अ रेगुलर 9 to 5 जॉब एंड ही इज इन लव विद wife and bachcha hota hai inka, and there is a very unfortunate incident jahan par they both lose this like you know child and they are grieving about him, but again aisa situation life mein hota hai, like you know she starts to like you know have those senses ki jahan par like you know the child is back, something is back, somebody is there who is looking upon me and everything, then later how we figure out like who exactly it is, and I think so that part she can tell you the best. The experience was lovely as this is my first horror show. Actually, this is my first show on OTT because I have done only films till now. So I'm coming on television sets for the first time and people are going to see me for the first time. So accessibility thodi badh jayegi, to uske liye main kafi khush hu. And second thing, I have played the character of Sanjana in Kalwa. Who is a married girl. As he said, there's a beautiful loving couple. Aur mujhe lagta hai ek मैंने जो एक्सपीरियंस किया वाइल शूटिंग वॉज कि अ मदर्स इमोशन इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल इमोशन आई फील, एंड व्हेन शी लूजेज हर चाइल्ड एंड व्हेन शी ट्राइज टू गेट अनदर चाइल्ड एंड समथिंग हैपेंस जो नहीं हो पाता और वो क्यों नहीं हो पाता, देन द कलवा एंटर्स एंड वो सारा जो मैसेप उसकी लाइफ में होता है, शी गोज थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स एंड उसको खुद भी समझ में नहीं आता दैट व्हाट्स हैपनिंग इन हर लाइफ, एंड देयर अजय सपोर्ट्स हर एंड यू नो वी ट्राई टू फिगर आउट कि बेसिकली व्हाट्स अ प्रॉब्लम. So that's how it was, and Kalwa was a beautiful experience for all of us. Puri team ne bahut mehnat ki hai and sabne apna best dene ki koshish ki hai. Now finally the show is here and now it's up to you guys. Please shower love, as I can say that. मैंने वही तो कहा, please shower love guys. हमने तो कर दिया है जितना भी हम कर सकते थे, the best of us, and now it's up to you. The ball is in your court now. So please shower love to the show, to the team and to us. देखिए मेहनत तो हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, जो बात आपको मैं खुल के बता दूं, हम लोग चैनल वाले हैं, हम लोग सिर्फ शो को प्रोड्यूसर्स को दे देते हैं, जो डॉक्टर नितिन जी डॉक्टर नितिन मिश्रा जी हैं हमारे साथ, और इन्होंने इन जो डायरेक्टर हैं मिस्टर राजीव जिन्होंने ये पिक्चर डायरेक्ट करी है, एग्जीक्यूट करी है, ऑफकोर्स प्रोड्यूसर का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, उसको फंड करना और उसको उसकी लोकेशंस को आगे देखना करना, लखनऊ में पूरी फिल्म शूट हुई है, तो ज़्यादातर रिसर्च जो होती है वो डायरेक्टर लेवल पे होती है, राइटर लेवल पे होती है, और उसको हम लोग प्री अप्रूव करते हैं जाने से पहले, तो वो जो रिसर्च करी जाती है उस पर हम लोग बाखूबी उस पर रिसर्च को ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये प्रॉपर है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं है कुछ भी हमें दिखा रहे हैं कुछ भी समझा रहे हैं, तो आजकल एक सबसे अच्छी चीज़ है कि आप जाइए गूगल पर रिसर्च करिए, देख लीजिए कि जो भी चीज़ें डायरेक्टर या राइटर हमको बता रहा है तो वो प्रॉपर हैं कि नहीं है, और रही बात प्रोडक्शन कंपनी की तो वो लोकेशंस उससे मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, तो प्रोडक्शन कंपनी अगर वो चीज़ देती है तो उसके बाद हमारी जो टीम है और हमारे जो लोग हैं उसको अप्रूव करते हैं और फिर हो जाता है, तो यहाँ तक हमारी मेहनत ज़रूर रहती है हमारी टीम की। हाँ, सीज़न 2 हम लोग बुला रहे हैं, उसमें बहुत डिमांड है और हम लोग एक बहुत अलग लेवल पर भी इसके बाद प्लान कर रहे हैं, जो सीज़न 3 आएगा, ऑफकोर्स किंग भी हमारा बहुत अच्छा गया जिसका हम सीज़न 2 बना रहे हैं, और बाघिन हमारा बहुत अच्छा शो गया है जो स्टार के पास है और हमारे पास डिजिटल राइट्स हैं, तो उसमें भी हम सीज़न 2 प्लान कर रहे हैं, स्टार को बहुत अच्छी अचीवमेंट मिली है उसमें, तो हम लोग वो भी एक कर रहे हैं, तो ये 3 शोज़ तो बैक टू बैक हैं हमारे जो सीज़न 2 हम लोग बना रहे हैं। सर के साथ ऑलरेडी 4 कॉलेब्रेशन हो चुके हैं, जो अभी हम उसके उनके साथ हम ला रहे हैं, सबसे बड़ा रुपया आप लोग को बहुत जल्दी अगले महीने देखने को मिलेगी, एक ला रहे हैं सुर्ख, जो एक एक ऐसी सीरीज़ कह लीजिए जो यूपी में एक सच्ची घटना पे आधारित है, और उसका नाम सुर्ख रखा है, सुर्ख कुछ लोग यहाँ के नहीं समझ पाएंगे, सुर्ख जिसे बोलते हैं सुर्खी,
जिसे बोलते हैं सुर्ख लाल, तो वो सुर्ख है, सबसे बड़ा रुपया बैंक रॉबरी पर है, और उसके बाद है चिट्टा, ये एक ड्रग्स की जो जैसे उड़ता पंजाब आपने देखी होगी, तो उससे हटके है, बहुत डिफरेंट है कि कैसे अलग तरीके से लोग ड्रग्स को स्मगल करते हैं, तो वो उसके अंदर दिखाया गया है, और बहुत ही उसमें एक्टर्स भी बहुत ही अलग तरीके और बहुत नोन एक्टर्स हैं हमारे उसमें, जो प्रोडक्शन कंपनी ने हमको दिए हैं, ये बहुत एक अच्छी बात है, क्योंकि एक्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर प्रोडक्शन टीम को डायरेक्टर को देख करके आता है कि वाकई में सीरियस हैं कि नहीं है, शूट कैसे बनेगा, किस चैनल पे जाएगा, ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी तक के जितने मैंने किरदार किए हैं सीरीज में, फिल्म में, टीवी में, उनसे थोड़ा सा हट करके ये किरदार है जो तांत्रिक का रोल है, काफ़ी टफ था मेरे लिए करना, क्योंकि पूरा गेटअप वेटअप है और बहुत लाउड वो कैरेक्टर है उस तरह का, तो थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन फाइनली किसी काम में अगर आप लग जाते हो तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, वैसी वाली बात थी, करना ही था, वो डिसाइडेड था, और जब करने लगे तो बहुत मज़ा भी आने लगा उस कैरेक्टर में जब गए तो, क्योंकि बड़ी बड़ी स्पीच है और बहुत कुछ था करने के लिए, बॉडी लैंग्वेज से लेकर के डायलॉग से लेकर के पूरा परफॉर्मेंस वाला कैरेक्टर था, तो बड़ा अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, और जैसा आपने अभी ट्रेलर तो देखा ही है सबने, ट्रेलर देख के अच्छा लग रहा है, मतलब उम्मीद से ज़्यादा वाला मामला लग रहा है ट्रेलर देख के, तो आई होप कि दुनिया को, लोगों को पसंद आएगा, हमने अपना काम किया, अभी आपके हाथों में है कि इसको लोगों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें।